अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इस क्लास का टॉपिक है हमारा लेसो सिलेक्शन टूल, हाउ टू अप्लाई लेसो सिलेक्शन टूल। इस गंभीर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सॉफ्टवेयर की जानिब बढ़ेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि लेसो टूल किसे कहते हैं और लेसो टूल हम क्यों अप्लाई करते हैं। ठीक जनाब, सबसे पहले मैं एक इमेज ले लूँ, जहाँ पर मुझे इमेज चाहिए होगा ये। ठीक है, तो अब इसके अंदर मुझे लेसो टूल यूज़ करना है। पहले सबसे पहले लेसो टूल देखें, ये लेसो टूल जो है हमारे पास फ्री हैंड टूल है, फ्रीली हम जो है ना सिलेक्शन ले सकते हैं फ्रीली, इस तरह से बिल्कुल फ्रीली, फ्री हैंड टूल कहते हैं इसे हम, और फ्रीली हम सिलेक्शन ले सकते हैं और उसके ऊपर सिलेक्शन जो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी उस सिलेक्शन के ऊपर हम ऑपरेशन ईजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कॉपी कर लूँगा मैं इसको, कॉपी करके न्यू इमेज पर आऊँगा, फिर न्यू इमेज पर आकर पेस्ट कर दूँगा। ईजीली बिल्कुल ईजीली ये सिलेक्शन हम ले सकते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करूँगा चला जाएगा। ठीक है, अब ब्लैंक क्लिक कर सिर्फ आए की मुझे सिलेक्शन लेनी हो तो फिर इस तरह से आए की, क्योंकि ये माउस से हम फ्रीली सिलेक्शन ले रहे हैं तो इस वजह से इसकी सिलेक्शन अच्छी नहीं हो पा रही। ठीक है, अगर इसके सारे फेस की मुझे सिलेक्शन लेनी हो, ये सिलेक्शन तो सही नहीं हुई, तो इसके लिए मुझे एक और सिलेक्शन ऐड करनी होगी इसके साथ, इस तरह से। ठीक है, अगर सिलेक्शन सही ना हो तो फिर उसमें सिलेक्शन ऐड कर लो। ये प्रीवियस क्लास में मैंने अच्छे तरीके से समझा दिए थे आपको किस तरह से होंगे। ठीक जनाब, फिर आप नए इमेज पर आओगे, वहाँ पर जाकर पेस्ट करोगे। ओके ओके जनाब, तो ये सिलेक्शन हमारी यहाँ पर हो गई। ठीक है, इस तरह से। नो, इमेज मैं ओपन कर ऐड कर लेता हूँ मैं विश का। ठीक है, अब देखें जनाब, एक टूल तो हो गया हमारा लेसो टूल, अब पॉलीजेनल लेसो टूल। पॉलीजेनल लेसो टूल के लिए मुझे इमेज कुछ जिस जगह पर हैंड्स हों, मैं आपको ये इमेज बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये टूल पॉलीजेनल टूल, पॉलीजेनल टूल बेसिकली ये बनाया गया है स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए, स्ट्रेट जो सीधी सिलेक्शन हो ना उस किस्म की सिलेक्शन के लिए पॉलीजेनल टूल बनाया गया है लेसो टूल। देखें मैं लेना सिलेक्शन लेना शुरू करता हूँ, वन क्लिक टू क्लिक, ये क्लिकिंग के हिसाब से जो है ना सिलेक्शन होती है, वो तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन ले रहे थे लेकिन ये क्लिकिंग के हिसाब से सिलेक्शन होती है। ठीक है, इस तरह से, अगर मुझे सिर्फ हाथ की सिलेक्शन ही लेनी है जी जनाब, क्लिक करते जाओ और सिलेक्शन लेते जाओ, लास्ट जब फाइनल स्टेप पे आ जाओ तो फिर डबल क्लिक कर लो इस तरह से। ठीक है, जब आप फाइनल स्टेप पे आओ ना फिर तो आप इसको डबल क्लिक करनी है आपको। मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये सिलेक्शन हम क्यों यूज करते हैं, ये सिलेक्शन हम स्ट्रेट सिलेक्शन लेते हैं। फाइनल डार्ट पर जाकर डबल क्लिक करो इस तरह से। ठीक है, कॉपी करूंगा मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी तीन क्लिक्स हो गई थी, मैंने तीन क्लिक्स कर ली दो जगह, दो क्लिक्स की जगह पर। ठीक है, तो आपको कितनी क्लिक्स करनी थी, आपको करनी थी तीन क्लिक्स। तो अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑटो जो है ना
क्लिप बोर्ड की मदद से सिलेक्शन ले लेता है। बाय डिफॉल्ट जो साइज़ होगी वो मैं लेना चाहूँ तो ये ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ तो देखें ये मेरा हैंड स्ट्रेट हैंड मेरा यहाँ पर आ गया। पॉलीगनल लेसर टूल किस लिए यूज़ करते हैं हम? स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए। मिसाल के तौर पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक बॉक्स में बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो स्ट्रेट है ना, इसकी सिलेक्शन लेनी हो तो इसके लिए मुझे पॉलीगनल टूल क्लासिकल टूल माना जाता है इसके लिए। देखें मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट किया पॉलीगनल लेसर टूल को, ठीक है, नीचे की जाने वाला सिलेक्ट किया, इस तरह से कॉपी किया मैंने, ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं सिलेक्शन को मैंने कॉपी किया, अभी मैं इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ न्यू इमेज बनाकर, ठीक है। ये मेरा जो है ना बॉक्स कॉपी होकर पेस्ट आकर सामने आ गया इस तरह से। सिलेक्शन टूल जो है ना पॉलीगनल लेसर टूल, सिलेक्शन टूल जो होता है वो खास तौर पर सिलेक्शन किस तरह के सिलेक्शन लेता है? वो स्ट्रेट सिलेक्शन लेता है, स्ट्रेट, ठीक है। अब आए जनाब मैग्नेटिक लेसर टूल की तरफ। नाउ ठीक है जनाब, अब हम आते हैं, अगर ये क्लिक हो जाए इस तरह से तो इस क्लिकिंग को आप किस तरह से रिमूव करोगे? जस्ट एस्केप बटन प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से, और अब हम लेंगे मैग्नेटिक लेसर टूल। अगर मैग्नेटिक लेसर टूल आपका गलत हो जाए इस तरह से तो फिर आप एस्केप की प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से, ठीक है जी जनाब। अब आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हो कहाँ से? मुझे सिलेक्शन लेनी है इस इमेज की, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना कलर के हिसाब से सिलेक्शन लेता जाता है, जो कलर मैच होता जाएगा उस कलर को मैच करता आएगा और सिलेक्शन ले लेगा सारी। डबल क्लिक कर देता हूँ मैं, सही कॉपी कर देता हूँ और इसको नए इमेज पे जाकर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से, समझ गए आप? ये कलर की मैचिंग के हिसाब से सिलेक्शन लेता है। मिसाल के तौर पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, छोटा सा एक बॉक्स बनाऊंगा न्यू इमेज बनाकर, बाय डिफॉल्ट ओके। अब यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स का कलर मुझे चेंज करना होगा, तो फिर इसके कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर आकर थोड़ा सा मैं कलर, क्योंकि ये टॉपिक हमारा है ही नहीं, मैं जस्ट समझाने की खातिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है जनाब ओके। मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल जी, अब हम मैग्नेटिक टूल को ले रहे हैं। मैग्नेटिक टूल क्या करता है कि एक ही किस्म का कलर ले लेता है, इसके साइड में मैं एक और कलर भी ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, सही दो कलर हो गए। पॉली मैग्नेटिक टूल का क्या काम होता है कि एक जैसा ही कलर वो करेगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, अब देखें सिलेक्शन में ले रहा हूँ, देखें मेरी सिलेक्शन क्या किया इसने, सिर्फ ग्रीन कलर को ही ऑटोमेटिकली मैग्नेटिकली सिलेक्ट करता गया। और सिलेक्शन करने का क्या तरीकेकार है इसका, सिलेक्शन मैंने गायब कर दी। अब देखें वन टाइम क्लिक करोगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, फिर ऊपर की जाने में लेके जाओगे, सिर्फ माउस को स्क्रॉल ओवर करते जाओगे, ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन लेता जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको डायरेक्शन देते जाओगे, इस डायरेक्शन पे जाओ, इस डायरेक्शन पे जाओ, बस वो क्या करेगा, सिर्फ एक जैसे ही कलर को जो है ना पॉइंट आउट कर उसके उसी रास्ते पे चला जाएगा बस। और लास्ट में आपको डबल क्लिक करनी है इस तरह से, ठीक है, फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लूँ, न्यू इमेज पर आकर, तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इन बॉक्सेस को, सही है। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि वो सेव होना चाहिए इमेज, आपका सेव इमेज में से ये
उसको सिलेक्शन को कॉपी कर लेगा इजीली। मैग्नेटिक टूल में ऐसे आपने देख लिया, सेव्ड इमेज है ये हमारा, इस सेव्ड इमेज में से कर लेगा। इस तरह से हम जो है ना इमेजेस को, मैग्नेटिक टूल के इमेजेस को, मैं न्यू इमेज ओपन कर रहा हूँ, मैं इमेज बताना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड भी इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। कॉपी, जो सिंपल इमेज होते हैं वो इजीली अच्छे तरीके से, अगर आपकी सिलेक्शन गलत हो जाए तो आप क्या करोगे, बैक स्पेस प्रेस करोगे, की बैक स्पेस की प्रेस करोगे, फिर अपनी डायरेक्शन पे जाओगे। अगर जिस जगह से वो डायरेक्शन सही सिलेक्शन नहीं ले रहा तो उसको बैक स्पेस लगाकर फिर वहाँ पर क्लिक करते जाओगे, इस तरह से क्लिक करते जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम अप भी कर लेता हूँ। मैंने एस्केप बटन से, एस्केप बटन प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, अब मैं इसकी सिलेक्शन जूम 200 जूम कर रहा हूँ, ठीक है। और हैंड टूल जो है ना हमारा अप्लाई करते हैं। एनीवे ये तो वन बाय वन करके हम बताते आएंगे, लेकिन इन टूल्स की जो है ना थोड़ा सा ज़रूरत पड़ रही है इस वजह से। जी जनाब, तो मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, मैंने पॉली मैग्नेटल मैग्नेटिक टूल सिलेक्ट कर लिया, अब ले रहा हूँ सिलेक्शन। जिस जगह से गलत सिलेक्शन लेना वहाँ पर क्लिक कर दो, अब कहो कि इधर जाओ, मैग्नेटिक टूल को कहो कि इधर जाओ। सही, अब मैं इसको नीचे कर देता हूँ। सही, इस तरह से वो नीचे आएगा, थोड़ा सा इसको कहो कि आप गलत जा रहे हो, यहाँ पे पॉइंट करो इस तरह से। अगर गलत डायरेक्शन में जाए ना, फिर आप क्या करोगे, बैक स्पेस प्रेस करोगे, स्क्रॉल को बस ऊपर करते जाओ, ठीक है जनाब। स्क्रॉल को आप ऊपर करते जाओगे, ऑटोमेटिकली जूम जो बड़ा है ना वो स्क्रीन से नीचे स्क्रॉल डाउन होता जाएगा इजीली। यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करना है आपको, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन सही नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे लाइट कलर हो रहा है इस वजह से। ओके, ये कह रहा है कि मुझे यहाँ जाना है, नहीं यहाँ नहीं जाओ बेटा, यहाँ जाओ, इसको लोकेशन दो और इसको डायरेक्शन दो, क्योंकि अभी ये ब्लैक कलर है ना, आप जहाँ पर कलर डार्क हो ना वहाँ पर इजीली आप रोटेट करते आओ, सॉरी स्क्रोल ओवर करते आओ, जहाँ पर थोड़ी सी भी वाइटनेस आए तो फिर वहाँ पर क्लिक कर लो, कीबोर्ड से क्लिक कर लो, क्योंकि क्लिक करने से क्या होगा कि उसको हम डायरेक्शन बताएंगे कि आप इस डायरेक्शन पे जाओ। अब हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ये देखें गलत सिलेक्शन ले रहा है, तो इसके लिए बैक स्पेस प्रेस करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक इस तरह से, क्योंकि वो तो सही जा रहा था, कलर एक जैसा ही है ना, येलो येलो, तो हमसे गलती हो रही थी लेकिन इससे गलती नहीं हो रही थी, ये कलर सही पे पिक कर रहा है मैग्नेटिक टूल से। जी जनाब, तो अब इसको आप क्या करोगे, सीधा लेके आओगे, डबल क्लिक करोगे, कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है, इस तरह से। और मूव टूल का भी मैंने आपको बताया था, ये इसका बैकग्राउंड वाइट हो गया, सही जनाब, ये इमेज हो गई रियल इमेज, ये हो गई मेवेज की थी, किसकी थी, सपना की थी, कौन है, सनम, जी सनम, ये सनम की ओरिजिनल इमेज। कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे तो इस तरह से आएगा, सिलेक्शन को ख़त्म करनी है, ब्लैंक क्लिक करोगे, क्लिक कर रेक्टेंगल टूल पर ब्लैंक क्लिक करोगे तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। देखें ये इमेज, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट हो गया, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पता नहीं क्या था, इस तरह से बैकग्राउंड कलर चेंज होते हैं। बैकग्राउंड कलर हम अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, एक इमेज लेंगे उस इमेज के ऊपर जाकर रख देंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मुझे नेट ओपन करनी होगी, थोड़ा सा मैं नेट ओपन कर लूँ। अच्छा, तो जनाब मैंने नेट ओपन कर ली, अब देखते हैं एच डी
बैकग्राउंड से टाइप कर रहा हूं मैं, इमेजेस पे आऊंगा, वाइड स्क्रीन एचडी क्वालिटी के बैकग्राउंड्स 1080 पिक्सल्स एचडी क्वालिटी मानी जाती है, क्योंकि एचडी क्वालिटी के इमेजेस हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। और जनाब फिलहाल मैं यही सेव कर लेता हूँ। ये देखें इसकी क्या है, 1680 विथ बाय 1050 का इमेज है ये हमारे पास। ये इमेज ले लेते हैं, फिलहाल डेस्कटॉप पे रख देता हूँ मैं किसी भी नाम से, ठीक है। इमेज को ओपन करते हैं डेस्कटॉप से, ओपन करने के लिए मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा, सनसेट इमेज था हमारा, ये बस ठीक है, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब इस इमेज को छोटा करने के लिए मूव की जाने पाऊँगा, शो ट्रांसफॉर्म, ये देखें टोटल हमारे इमेज की साइज़ कितनी है, ये इतनी, तो इसको साइड से लेकर छोटा कर दूंगा। अब आएंगे यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये तो इसका हो गया बैकग्राउंड, इंटर प्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्म को ऑफ करेंगे, ये बैकग्राउंड हो गया जनाब। बैकग्राउंड इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल इजीली। नेट से इमेज डाउनलोड करोगे कोई भी पिक्चर्स बैकग्राउंड की, ठीक है, तो वो बैकग्राउंड आप उसको दे सकते हो इजीली, सही है। आई होप आपको सारे टूल्स समझ आ गए होंगे, लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक टूल, ठीक है। इसके साथ ये जो फीचर्स थे हमने ये डिस्कस कर लिए हैं अपनी कौन सी क्लास में, प्रीवियस क्लास में, सिलेक्शन टूल के, और सारे के सारे वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सेम जी जनाब। ओके, तो थोड़ा सा मैं समराइज कर लूँ, आज की इस क्लास में हमने लेसो सिलेक्शन टूल को डिस्कस किया था, लेसो टूल जिसमें पढ़ा हमने पॉलीगोनल लेसो टूल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल को, ठीक है। इसके साथ साथ हमने इन सारे टूल्स को डिफाइन भी किया, किस जगह पर क्यों अप्लाई होते हैं, किस लिए अप्लाई होते हैं, और किस तरह से इनकी सिलेक्शंस ली जाती हैं, ये सब कुछ हमने सीखा इस क्लास में, क्योंकि क्लास नंबर 7 है ना ये हमारी, इसलिए मैं इसको सेव करता हूँ अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर। एडोब फोटोशॉप जी जनाब, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, एक फाइल होगी, एक ये फाइल होगी कंट्रोल एस, क्लास 6 के नाम से, सेवन क्लास के नाम से सेव कर देता हूँ मैं इसको, ओके जनाब। ये भी हमने पढ़ा था इसी क्लास में, सेम क्लास में, तो एनीवे ये तो जस्ट अ पिक, नाउ सही जनाब। आज की क्लास को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया लेसो टूल, ठीक है, पॉलीगोनल लेसो टूल, ठीक है जनाब, मैग्नेटिक लेसो टूल, सही जनाब, और ये सब कुछ हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया। अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ नासिर।